बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मदर्स डे है और मदर्स डे के मौके पे तमाम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन की पूरी टीम, तमाम मेंबर्स, सब लोग इस हसीन से पार्क में जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ख़ास करके बनाया गया है मौजूद हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे। और आगे की चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। मदर्स डे के मौके पे हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ किश्वर ज़हरा बाजी को, जो के डिज़र्व भी करती हैं, अपनी माँ का दर्जा देते हैं। और हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से किश्वर ज़हरा बाजी ने हम अफराद बा माजूरीन के लिए सोचा, इतना हसीन इतना ख़ूबसूरत पार्क बनाया, ना सिर्फ शायद अल्फाज है नहीं है कुछ कहने के लिए, क्योंकि जिस मोहब्बत से उन्होंने मुझे इस रिश्ते में पुराया है, उसकी खुशी कितनी है क्या है वो आई कांट एक्सप्रेस। बाजी का नाम जो है वो हमेशा ही बच्चे याद रखें और बताया करें कि हमें निकालने वाली या हमें जिंदगी देने वाली एक हमारी अपनी माँ थी, और यहाँ तक इतना अवेयर करने वाली और दूसरी जिंदगी देने वाली कि जिसने हमने अपने आप को पहचाना, वो हमारी किशोर बाजी थी। तो बाजी अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। डिसेबिलिटी के लिए काफ़ी काम किया, काफ़ी जद्दोजहद की, और बाजी ये बात दिल से कह रहा हूँ मैं आपको, मैंने आप जैसी खातून नहीं देखी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को इस कदर मोहब्बत करती है और इस कदर उनके लिए सोचती है। बड़ी पर्सनालिटी शख्सियत हमारे साथ है, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो जिनके साथ होती हैं, और हम बहुत खुश नसीब हैं। और मैं और डिसेबल एसोसिएशन की तरफ से इसी तरह बाजी को चंगी जिंदगी दे और इसी तरह पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए काम करते रहे, हम सबकी दुआएं बाजी के साथ। अल्लाह ताला हर जो है लम्हा कामयाबियां और बहुत सारी सिहत वाली जिंदगी दे, बहुत सारी दुआएं। और आज जो है मदर्स डे के हिसाब से हम सब बहुत खुश हैं कि बाजी ने इतना अच्छा प्रोग्राम जो है हम लोग अरेंज किया, और अल्लाह ताला इसी तरह के प्रोग्राम हमारे लिए आगे भी और बहुत अच्छा करते रहेंगे इंशाल्लाह। हम सब बाजी के साथ अच्छा ये जो आपने बोला ना, आपका शुक्रिया, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का, और यहाँ पर आने के लिए मौका दिया और कि मैं यहाँ पर आऊँ आप लोगों से मिलूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई सबसे मिलके और सबको देख के, और मुझे ये भी पता चला कि आपकी टीम बाहर जाके विन कर भी आई है। अभी लास्ट भी पता चला कि एक खातून भी गई थी, वो भी विन कर आई है। आपके सेंटर के हवाले से पता चला, फिर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये सब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनाया ये सारा मुझे देख के बहुत खुशी। ये एशिया का
सबसे पहला और सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे जदीद ये डिसेबल पर्सन का सेंटर है। और अभी स्विमिंग पूल में पीछे देख कर आया, बहुत अच्छा है। यहाँ सुना है कि बास्केटबॉल कोर्ट बन रहे हैं और यहाँ पर जो है बैडमिंटन कोर्ट भी बनेगा। क्रिकेट के लिए नेटिंग कर रहे हैं और वो क्रिकेट भी कर रहे हैं। और अभी मुझे पता चला कि डिसेबल पर्सन के हवाले से आप ये भी वर्किंग कर रहे हैं कि वो किसी शूट में या किसी मॉडलिंग में या किसी प्रोडक्ट के शूट में चले जाएँ ताकि ज़िंदगी का हिस्सा बने। और आपने ये भी बताया मुझे कि ये लोग जो है वो IT सर्विसेज के, क्योंकि बैठने का काम है इनके, थोड़े से ज़्यादातर लोगों के जो है वो लोअर बॉडी का इशू है तो ज़्यादातर बैठने का काम है, तो बाकी तो इनके माशाल्लाह ये तेज़ भी हैं, दिमाग भी तेज़ है, सारा कुछ हर चीज़ है, तो ये IT में बहुत काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट में बहुत काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनैद खान और मैं आया हूँ इस प्रोग्राम में डिसेबल बच्चों के। और ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जैसे आपके पीछे आप देख रहे होंगे ज़्यादातर टीचर्स के बच्चे हैं, इन्होंने आज एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है और ये प्रोग्राम है मदर डे के हवाले से, जिसमें ये किशोर ज़हरा साहिबा मैडम को अपनी माँ का लकब दे रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप जो है किसी बुज़ुर्ग को अपनी माँ का लकब दें। मैं बहुत खुश हूँ इन्होंने मुझे इन्वाइट किया, मैं इस प्रोग्राम में यहाँ आया हूँ शिरकत करने के लिए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ किशोर ज़हरा साहिबा को भी कि उनको इतने बहुत सारे बच्चों ने जो है ना एज ए मदर अडॉप्ट कर लिया है, और इन सब बच्चों को भी मुबारक हो और सबको हैप्पी मदर डे। आज का जो ये इवेंट है ये माओं के आलमी दिन के मौके पे आज अफराद बाह माजूरीन जो जिनका ताल्लुक डिसेबल वेलफेयर सेक्शन से है, उन्होंने हमारी मोजिस कानून साज MNA ईश्वर ज़हरा के एजाज़ में ये इवेंट रखा है और उन्हें अफराद बाह माजूरीन की माँ का जो एजाज़ है वो दिया जा रहा है। और ये तमाम जो हमारे अफराद बाह माजूरीन हैं ये मदर डे को जो है ईश्वर ज़हरा साहब के साथ मना रहे हैं ताकि उनकी जो काविशें हैं अफराद बाह माजूरीन की तारीख में उनका ना सिर्फ एतराफ़ किया जाए बल्कि उनको आज सब बच्चे जो हैं वो अपने साथ इनकी सॉलिडारिटी के शो करें। वो आज मैं यही सोच रही थी कि माशाल्लाह से मेरे अपने बच्चे भी हैं और बहुत प्यार करते हैं, कोई कमी नहीं, लेकिन इतना प्यार शायद हम बच्चों ने भी नहीं दिया जो और रिसेंटली मैंने पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन किया। तो अब TDC में मुझे बताया कि काफ़ी लोग हमारे वहाँ पर आए हुए थे और मुझे पता चला कि वहाँ से पार्टिसिपेट कर रहा है और विन कर रहा है। हमारी जो MNA है किशोर ज़हरा, जो बगैर तअस्सुब बगैर रंग बगैर नस्ल के पर्सन में डिसेबल के लिए, बाकी तो मुझे नहीं पता पर्सन में डिसेबल के लिए उन्होंने कभी रंग नस्ल मजहब से पालक कर आके इनकी खिदमत की है। जिसने कतरा भर साथ दिया हमारा, जिंदगी रही तो समंदर लौटाएंगे।